हे एवरीवन, हाउ आर यू? सो वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बट यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। ये कुछ स्टूडेंट के लिए बैड न्यूज़ भी हो सकती है। सो इस चीज़ को अभी ध्यान से सुन लीजिए, बिकॉज मुझे मालूम है कि आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट भी आपका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप एग्ज़ाम की प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन किसी रीज़न से जो आपकी कंडीशन आई है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये फुलफ़िल होनी चाहिए और वो फुलफ़िल नहीं हो पाती है, देन आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। जानिए गवर्नमेंट की क्या क्या कंडीशन आई है। फर्स्ट कंडीशन आई है कि जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन 9th में होना कंपलसरी है। सेम अगर क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन 11th में होना कंपलसरी है। मींस 8th के बाद कोई भी स्टूडेंट 10th में एडमिशन नहीं ले सकता, उसका 9th में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है एंड देन 10th में। सेम 11th में पहले रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, देन 12th, मींस 12th का रजिस्ट्रेशन 11th में ही हो जाना चाहिए उसका। ये चेक होगा। बट इस बार क्या, हमेशा क्या होता था, ये चीज़ें चेक नहीं होती थी कि यस रजिस्ट्रेशन हो गया, ये चीज़ें हो जाती थी। बट इस बार स्कूल लेवल पर ये वेरीफिकेशन किया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर्स आए हैं कि ये वेरिफिकेशन स्कूल वाइज किया जाएगा। अगर आपका क्लास 9th में रजिस्ट्रेशन नहीं है या फिर आपके स्कूल के पास नहीं मिला, तो आप क्लास 10th के और 12th के पेपर नहीं दे पाएंगे। इस बात का बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें। ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि जो आपका आधार कार्ड है, ठीक है, और आपके जो स्कूल में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए, मींस जो आपकी मार्कशीट है, जस्ट लाइक आपकी 10th की मार्कशीट है या 9th की मार्कशीट है, या फिर कह सकते हैं जो आपने फॉर्म फिल किया है वो, उसमें और जो आपकी आधार कार्ड में इन्फॉर्मेशन है ना, वो सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मींस ऐसा ना हो कि आधार कार्ड में आपने पापा फादर का नेम में जैसे जस्ट लाइक मेरा नाम प्रिंसी जैन है तो मैंने लिख दिया प्रिंसी और वहाँ पे आपने लिख दिया प्रिंसी जैन, तो आपका सेम होना चाहिए। मींस सर नेम भी और नेम भी पूरा प्रॉपर नेम सेम होना चाहिए, विद स्पेलिंग सेम होना चाहिए। ये आपको अपनी जो अपने स्कूल में है इसका वेरीफिकेशन करा लेना कि जो भी आधार कार्ड में चीज़ें हैं ना वही आपकी फॉर्म में हो, वही आपका जो रजिस्ट्रेशन है उस फॉर्म है उसमें हो, वही चीज़ें आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में हो, ठीक है, जिसने क्लास 10 पास आउट कर लिया है। और जिसने नहीं किया है वो अपने 9th की मार्कशीट का ध्यान रखे, अपने आधार कार्ड का ध्यान रखे, अपने 9th में जो फॉर्म फिल किया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है, उसमें ध्यान रखे कि वो सभी चीज़ें सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। ये जो दो वेरिफिकेशन है ये तो 100% कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको दोनों पॉइंट बताए हैं। उसके आगे गवर्नमेंट ने जो आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई है कि इस बार यूपी बोर्ड में कोई भी चीटिंग नहीं होगी। कोई भी जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, चीटिंग के ऊपर बैठे हैं, वो इस बात को भूल जाइए कि इस बार चीटिंग होगी, इस बार चीटिंग नहीं होगी। पहले से ही सभी जगह पर कैमरेज का जो फैसिलिटी है वो कर दी जाएगी, सभी जगह कैमरे लगा दिए जाएंगे, आप लोगों का प्रॉपर रोल नंबर, फ़ोटो, सब चीज़ें वेरिफिकेशन होगा, सब चीज़ें चेकिंग होगी, तभी आप एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। गाइज ये है आपके लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन, एंड आगे जैसे ही कोई अपडेट्स आता है आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड करूँगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब मोटिवेट करते हैं कि यस आपके लिए और अच्छी इन्फॉर्मेशन लाई जाए। आप चैनल पर कैसे स्टडी करना है, कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स का फॉलो करना है वो सभी देख सकते हैं। आपके लिए डेली न्यू व्लॉग्स आते हैं, न्यू वीडियोज़ आती हैं, न्यू ट्रिक्स आती हैं, तो वो सभी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए, कोई कंटेंट चाहिए, वो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं कि यस मैम मुझे इस चीज़ का डाटा प्रोवाइड कर दिया जाए, देन वो भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। एंड जैसे ही यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, मीन्स जो भी बोर्ड के आप स्टूडेंट्स हैं, ऐसा यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स अगर आपकी भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है, आपको वो सबसे पहले अपडेट इस चैनल पर की जाएगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स के लिए हेल्पफुल हो सके। हो सकता है उनका वेरिफिकेशन ना हुआ हो सही से, उनकी डिटेल्स में मिस्टेक हो, तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ये सभी के लिए हेल्पफुल रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।